तौर पर पेश कर रही है, खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर पेश कर रही है, जबकि विपक्ष इसे बमबारी बताने में जुटा है, जिसकी आज टीम न्यूज स्टेशन। तो सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि बड़े जो लोग हैं उन्हें छोड़ा जा रहा है, जिन्होंने अपने कर्ज नहीं चुकाए हैं उनका कर्ज माफ हो रहा है। कुछ को कहा जा रहा है कि विदेशों में अधिकांश मात्रा में काला धन जो जमा है उसको वापस लाने के लिए कि आप तो छोटे प्लेयर्स पे हाथ डाल रहे हैं। तो ये तमाम तरह के आरोप जो है वो सरकार पर भी लग रहे हैं। बहरहाल इस बीच किस तरह के बयान आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, पहले आपको वो सुनवाते हैं। वेंकैया नायडू और गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा। सर, हमारे ओड़ी में इसका आधा भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की वजह से नहीं मरे थे, उससे दुगने आज हमारी सरकार की गलत नीति की वजह से लोग मर गए। बीजेपी गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस की इस स्टेटमेंट को एंटी नेशनल करार दे रही है। वो कह रही है कि क्या सीमा पर देश की हिफाजत करते हुए जो सैनिक दुश्मन की गोली खाता है उसकी शहादत को आप नोट बंदी में, अगर लाइन में खड़ा हुआ कोई आदमी एक नेचुरल डेथ से मौत पाता है तो क्या उससे कंपेयर करके आप उसकी शहादत का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान को शेयर नहीं दे रहे हैं? तो तमाम, लेकिन इस बीच वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा है कांग्रेस के तमाम आरोपों पर, आइए आपको भी सुनवा देते हैं। देखिए, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है जो सरकार में रहा है। क्या स्वार्थ है उसका कि इस काले धन के खिलाफ जो अभियान सरकार, कांग्रेस की तो अपेक्षा होनी चाहिए थी हमारी उनसे कि वो इसको समर्थन करते। और ये कोई देशभक्ति की बात नहीं है कि आप काले धन के खिलाफ जो कथा जोड़ दो। काला धन तो आतंकवादी भी इस्तेमाल करते हैं और वादी भी इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए कांग्रेस का ये समान जो बयान है बिल्कुल गैर जिम्मेवाराना था। चलिए, तो कांग्रेस का स्वार्थ क्या है ये पूछ रहे हैं वित्त मंत्री और देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस की। हमारे साथ एक पूरा वरिष्ठ पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। हमारे साथ अनिल बलूनी जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ चरण सिंह सप्रा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। विवेक कुमार है हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता। और बदरुद्दोजा खान साहब हमारे साथ और एमएच खान है बीएसपी के लीडर। और जफर अमीन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। सबसे पहला जवाब मैं चरण सिंह जी से ही ले लेती हूं। चरण सिंह सप्रा जी, वित्त मंत्री, अगर ये नोटबंदी हो रही है और काला धन चाहे छोटे अमाउंट में सही अगर कम होगा, और क्या आप भी गुलाम नबी आजाद के उस बयान से इत्तेफाक रखते हैं जहां देश की रक्षा में शहीद होने वाले सैनिक देख रहे हैं? डिमोनेटाइजेशन को कांग्रेस ने विरोध नहीं किया है। कांग्रेस कह रही है कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, जिस तरह से सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है वो दिखा रहा है कि सरकार की पूर्व तैयारी इस पे नहीं थी। जब आप 125 करोड़ देश की जनता पर डिमोनेटाइजेशन का एक निर्णय लगा रहे हो तो आपकी उसकी पूर्व तैयारी होनी चाहिए कि अगर 100 के नोट वहां पर कम है एटीएम की, अधिक छपाई पहले करके रखनी चाहिए थी। यहां पर तैयारी तो में कमी थी, लेकिन क्या गुलाम नबी आजाद जी का तैयारियां उन्होंने नहीं की? और तैयारी के लिए आलोचना हो सकती है, लेकिन क्या, सुनिए तो सही, एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने बिल्कुल अनमाना कि तैयारी को लेकर आलोचना हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं, उसका जवाब मैं बलूनी साहब से लूंगी कि क्यों ये फेलियर हो रहा है। लेकिन आप ये बताइए, सदन के भीतर गुलाम नबी आजाद जैसा वरिष्ठ नेता ये कहे कि सीमा पर जो हमारा सैनिक देश की रक्षा करते हुए दुश्मन की गोली खाकर शहीद होता है उसकी शहादत, और लाइन में खड़ा हुआ एक शख्स जो कि एक नेचुरल डेथ पाता है वो बराबर है, ये अपमान नहीं एक शहीद की शहादत का? देखिए, आलोचना तैयारी की आपने भी मान ली कि होनी चाहिए, और यही आलोचना सभी विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं, और इसी आलोचना का एक भाग बनता है कि आज 8 दिन 9 दिन हो गए हैं कि लोग कतार में खड़े हैं। आलोचना ही कुछ बोलेंगे? खड़े हैं सप्रा साहब, आलोचना हो गई है, अपने नेता के बयान पर भी तो कुछ आलोचना कर दीजिए।
जो पैसा उन्होंने उनका व्हाइट मनी है, प्रधानमंत्री ने तो सीधे कह दिया कि जो प्रधानमंत्री ने तो सीधे कह दिया कि जो कतार में खड़े हैं वो स्कैमस्टर हैं, वो उनके पास काला पैसा है। क्या जो कतार में काला पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं और काला पैसा निकालने के लिए काला पैसा निकालने के लिए खड़े हैं? और अगर वो काला पैसा अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, आप उसका जवाब देंगे या नहीं? ज्यादा तो आप नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, ज्यादा तो आप उत्तेजित नहीं, आप बताइए ना, आप जवाब देंगे? आप उत्तेजित, आप जवाब देंगे, आप जवाब देंगे? हाँ बोलिए ना, क्योंकि वक्त की कमी, आप ये भी देखिए ना। हाँ जी बोलिए। आप नहीं, नहीं वक्त की कमी है तो आपने सवाल ऐसा पूछा कि उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो जिस तरह से लोग 9 दिन से परेशान है और पिछले 9 दिन से अपने काम काज छोड़ करके एक डेली वेजेस वाला बंदा, चलिए इससे ज्यादा वक्त मैं आपको नहीं दे पाऊंगी चरण सिंह सप्रा जी, आप अभी तक मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। अनिल बलूनी जी, आपका फेलियर है, छोटी एग्जीक्यूशन में आरोप लग रहे हैं आप पे, आपका फेलियर है, फैसला ठीक है लेकिन जी पिना जी, आप मैं सप्रा साहब की जगह ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपने एक विषय रखा कि सड़क से लेके संसद तक, संसद में जो कहा वो आप लोगों ने सुना, कितना शर्मनाक बयान है वो आप लोगों ने सुन लिया। और सड़क पर जो आज हुआ है आपने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल जहां जहां गए वहां मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, किसी ने बुलाया तो नहीं था। आप किसी एटीएम पे लाइन लगती हो, आप पहुंच जाते हो, वहां खड़े हुए लोग अगर मोदी मोदी के नारे लगाते हैं तो आप समझ लीजिए कि जनता कितने पक्ष में है। ये लोग एक आर्टिफिशियल विरोध करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इन लोगों को अब समझ आ गया है कि जनता परेशानी सहन करने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरीके से काला धन के ऊपर चोट हुई है जनता उसमें पूरी तरीके से साथ है। की तरफ झोंक रहे हैं आप, ये जान लीजिए। फिर वित्त मंत्री कहते हैं नहीं आएगा, कहते हैं 4,000। अरे आपके नेताओं को बोलिए जहाँ पर लाइने लगी, जहाँ पर कतार लगी है वहाँ पर जाकर के आपके मेंबर पार्लियामेंट को या एमएलए को बोलिए ताकि उनको मिले लोगों को, अपने आप पता चल जाएगा। उनको जवाब तो देने, ये वाड्रा पार्टी के प्रवक्ता जो बैठे हैं उनको चुप कराएंगे तो मैं जवाब दूंगा। जी जी बोलिए बलूनी साहब। काला धन के जो प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, जी आप बोलिए, आपकी सरकार क्यों इतनी कंफ्यूज है? अरे काले धन की बात, बिल्कुल कोई जनार्दन रेड्डी तुम्हारा मंत्री था, बीजेपी का लीडर जो 4 साल अंदर रहा है, 500 करोड़ रुपए की शादी उसने की है वो काले धन से की है क्या? वो 12 लाख प्रधानमंत्री की सभाएं होती है उसका अकाउंट दीजिए। विवेक कुमार जी, विवेक कुमार जी आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। वो क्या सफेद, लेकिन आज उन्हें क्या दिक्कत है काले धन में? छोटा हो सकता है लेकिन आम आदमी को पैसा विड्रॉ करने की इजाजत केवल 2,000 रुपए की। विवेक जी को चर्चा में शामिल करना चाह रही हूँ। विवेक जी, समय की कमी है, विवेक जी से भी सवाल कर लें। विवेक जी, आपकी पार्टी तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही सत्ता में आई है, तो आपको क्या दिक्कत है अगर ये छोटा प्रयास ही सही, शुरुआत तो है कम से कम? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हम लोगों को दिक्कत क्या है ये बहुत अरविंद जी आज की रैली में भी साफ कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी ने जहां जहां जो जो अच्छा काम किया है आम आदमी पार्टी ने उनका समर्थन किया है। ये लोग दिल पे हाथ रख के बताएं, स्वच्छ भारत अभियान में अरविंद केजरीवाल जी ने ये पहले ही बता दीजिए मुझे जरा, अच्छा काम आम आदमी अपना स्टैंड साफ करे कि ये अच्छा काम है या गलत काम है। मैं आपको बोल रहा हूँ मैडम, आप सुन तो लीजिए कम से कम। जहां जहां अच्छा काम किया हम लोगों ने सपोर्ट किया इनका, योग दिवस पे इनके साथ चटाई लेकर के योग करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे इनका साथ देते हैं, सैल्यूट करते हैं, लेकिन इनकी मंशा पे शक है। जिस तरह से इन्होंने काम किया, जिस तरह से कुछ कागज निकल के बाहर आए हैं, 25 करोड़ रुपए गुजरात में आदित्य बिरला ग्रुप के रिकॉर्ड में मिलते हैं, और रिकॉर्ड में सदन के पटल के ऊपर रखे हुए कि प्रधानमंत्री जी को हम लोग बहुत ईमानदार समझते हैं और इनकी ईमानदारी हम लोग को शक नहीं था, लेकिन जिस तरह से चीजें निकल के बाहर आ रही है इससे इनकी ईमानदारी पे शक होता है। विदेशों में पीला जी, रुपया तरीका है बैंकों में, पहले झूठे आरोप लगाओ बाद में माफी मांगो। आप जवाब नहीं दे रहे हैं कि आपकी पार्टी मुद्दे पर, कहता हूं कि अभी तक का ये सबसे बड़ा स्कैम। चलिए इसमें 50 गलतियां हो सकती है विवेक जी, इसमें 50 गलतियां। चलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं, यदि आम आदमी पार्टी को काले धन पे चाहे छोटी ही सही ये प्रयास जो है नाकाफी दिख रहा है। हमारे साथ खान जी, खान साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी पार्टी को इसमें क्या दिक्कत है? काले धन पे नकेल तो कसेगी, 10% काला धन तो देश में लिक्विड फॉर्म में ही है, कम से कम वो तो वापस आएगा। देखिए हमें काले धन से कोई दिक्कत नहीं, हम तो चाहते हैं काला धन निकले। अभी हमारी बहन
जो अध्यक्ष हैं हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती जी ने साफ साफ राज्यसभा में कहा कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जो किसानों को समस्या है, जो लोग लाइन पर लग रहे हैं, वो गांव के देहात के लोग हैं, प्रधानमंत्री आके इसको स्पष्टीकरण दे। प्रधानमंत्री इस पर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें दाल में काला है। आप ये बताइए कि गांव के लोगों की तरफ आपका ध्यान नहीं है, किसानों की तरफ ध्यान नहीं है, गरीबों की तरफ ध्यान नहीं है। आप आज जो रोजी रोटी के लिए परेशान है, मजदूर है, उस पर ध्यान नहीं है। आप शहरों में लाइन लगाए हुए लोगों का लेते हैं।